लिसन गाइज, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग A22 की। और गाइज, ये जो डिवाइस है दो दिन पहले ही लॉन्च हुए, इसके अंदर मैं आपको इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों बताने वाला हूँ। ये कोई मुझे ब्रांड ने नहीं भेजा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, क्योंकि मैं बैक टू बैक अनबॉक्सिंग लेकर आ रहा हूँ। जितने डिवाइसेस मैं कवर कर सकता हूँ वो सभी डिवाइसेस मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिले। क्योंकि जो अदर लोग इसकी अनबॉक्सिंग डालते हैं वो स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। इसलिए मैं आपको ए टू जेड डिटेल देने वाला हूं गाइज, जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर गाइज इसके हाईलाइट फीचर्स की बात की जाए तो ये लिखा हुआ है यहां पर है, जो 5000 mAh की बैटरी है, 48 MP मेन कैमरा है, सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 2 MP का डेप एंड 2 MP का मैक्रो दिया गया है, 13 MP की सेल्फी दी गई है। और ये जो हमारे पास गाइज वेरियंट है वो 6GB 128GB वाला, और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं गाइज। तो चलिए गाइज इसके बॉक्स को हम अनबॉक्स कर लेते हैं और डिवाइस को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद इसके कुछ अदर डिटेल्स की बात की जाए। यहाँ पर गाइज आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मीडियाटेक का एलियो G80 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर गाइज, ये डिवाइस तकरीबन 19 या 20 हज़ार का होने वाला है, और मतलब गाइज पता नहीं क्या हो रहा है, 19 हज़ार का ये डिवाइस है मुझे इसी रेट में पड़ा था। यहाँ पर आपको जो सी टाइप है केबल दी गई है, 15 वाट का एक चार्जर दिया गया है, केबल इतनी लंबी नहीं है, नॉर्मल सी केबल दी गई है, और एक 15 वाट का यहाँ पर चार्जर दिया गया है। यहाँ पर मीडियाटेक एलियो G80 जो प्रोसेसर गाइज इस प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करता है। ये जो प्रोसेसर गाइज आपको 8-10 हज़ार के डिवाइसेस के अंदर मिल जाता है, सैमसंग पता नहीं 20 हज़ार के डिवाइस में यार क्यों इसे कचरा प्रोसेसर डाल रही है। गेमिंग के लिए नहीं होने वाला है, नॉर्मल यूजेज वाला डिवाइस होने वाला है, और डिजाइन वगैरह सब कुछ बात करूंगा गाइज, ए टू जेड आपको डिटेल दूंगा। और यहाँ पर गाइज डिवाइस के डिटेल्स की बात की जाए यहाँ पर डिजाइन की, तो डिजाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, आप एक हाथ से इसको हैंड ऑन कर सकते हैं। डिजाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, प्लास्टिक का बैक पैनल दिया गया है यहाँ पर गाइज, लेकिन कैमरे का जो डिज़ाइन है और यहाँ पर जो सी टाइप वगैरह कलर वगैरह हर एक चीज़ अच्छे से ऑप्टिमाइज है। सी टाइप दी गई, यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया और ईयरफोन जैक इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर सिम इजेक्टर देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इस रेट में यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता तो 4 चांद लग जाते, लेकिन सैमसंग साइड माउंटेड दे रहे हैं, क्योंकि इन डिस्प्ले स्कैनर जो होता है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। और इसके पीछे मतलब बैक पैनल में कोई गैप वगैरह नहीं है, क्योंकि इनके पिछले एक डिवाइस इसके अंदर था जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी कि हाँ इसके अंदर बैक में गैप है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर उस चीज़ को इम्प्रूव किया गया, एक सॉलिड पीस बनाया गया गाइज, लेकिन प्रोसेसर वगैरह स्पेस इसके इतने अच्छे नहीं है गाइज। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है ये गेमिंग में मतलब आपको लेग करेगा डिवाइस, क्योंकि गाइज ये जो प्रोसेसर 8-10 हज़ार के डिवाइसेस के अंदर आता है इसके अंदर 1 UI चल रहा है, 1 UI 3.1 चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज UI है। UI के बारे में बात की जाए तो मुझे UI से कोई शिकायत यहाँ पर नहीं है गाइज। और यहाँ पर आप फुल HD 30 FPS तक वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, पंचोल देखने को नहीं मिलता गाइज। इसके अंदर आपको एक वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलती है, काफ़ी छोटी नोच दी गई है गाइज, लेकिन गाइज यहाँ पर आपको नोच दी गई है, मतलब एक 20 हज़ार के डिवाइस के अंदर नोच देना ये एक गलत बात हो जाती है। यहाँ पर पंचोल होता तो ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा प्रीमियम लगता। तो ये सारे इसके यहाँ पर प्रो एंड कॉन्स है जो कि मैं आपको बैक टू बैक बता रहा हूँ। 10x तक आप इसमें जूम कर सकते हैं। हम सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग के कुछ अदर डिटेल्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड 19Hz की रिफ्रेश रेट वाली एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो जिसको आप यूज़ करोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, क्योंकि 16Hz और 19Hz में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। एंड्रॉइड 11 पर अभी ये रन कर रहा है, 1 UI 3.1 चल रहा है इसके अंदर गाइज। तो ये सारे इसके डिटेल्स है। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर इतने परसेंटेज इसकी बैटरी चार्ज है, जो कि इसके सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप देख सकते हो वॉलपेपर वगैरह में आपको डार्क मोड वगैरह इजीली इसके अंदर अवेलेबल है गाइज। और यहाँ पर हम डिस्प्ले वॉलपेपर और डिस्प्ले में जाते हैं, देखिए यहाँ पर डार्क मोड वगैरह, डार्क मोड इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और काफ़ी प्रीमियम लगता है। डार्क मोड में अभी ऑन कर दूंगा तो कुछ डिटेल यहाँ पर मिस हो जाएंगे, और डार्क मोड को यदि आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपका जो बैटरी का बैकअप है वो नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलने वाला है आपको। और इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलती है यार, यहाँ पर LPDDR5X होती तो और अच्छा होता। चलिए गाइज ये सारे इसके प्रो एंड कॉन्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। और ये डिवाइस यदि आप लेने वाले हो तो मैं एक चीज़ क्लियर आपको बता देता हूँ, ये जो डिवाइस है गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। यदि आप गेमिंग के लिए इसे बाय करने वाले हो तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत कीजिए। कैमरा इसका OP है, लेकिन गाइज इस प्राइस में आपको 64 MP का कैमरा दिया जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पर आपको 48 का ही देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड एंगल से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि 8 MP का मिलता है, अच्छी बात है। यहाँ पर यदि मैक्रो लेंसेज का 5 MP का होता तो और अच्छे मैक्रो शॉट यहाँ से कैप्चर किए जा सकते थे, जो कि इसके अंदर नहीं दिए गए। 13 MP की सेल्फी है, सेल्फी से मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर अदर ब्रांड 16 मेगापिक्सल की प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन इसकी जो सेल्फी है उनसे काफ़ी ज़्यादा बटर है क्योंकि इसका खुद का सेंसर सैमसंग है और खुद की सुपर एमोलेड स्क्रीन है, तो स्क्रीन से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं होने वाला। स्क्रीन इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है एंड कलर वगैरह ओके आ रहे हैं गाइज। इसमें वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो बहुत ज़्यादा ओपी आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है, डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो नो डाउट। लेकिन गेमिंग के लिए ये डिवाइस वर्थ होने वाला गाइज, ओवर प्राइस है डिवाइस ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिवाइस है यदि आप ऑफलाइन में बाय करना, ऑफलाइन में आपको ऑफर वगैरह में अभी इसमें कोई ऑफर नहीं चल रहा है, एक सॉलिड पीस है जैसे ही मैं इसको हैंड ऑन कर रहा हूँ। लेकिन गाइज ये जो डिवाइस है मतलब ना यदि आप ऑफलाइन में बाय करोगे तो सैमसंग बार बार ऑफर देता रहता है, तो ऑफर्स के अंदर ये जो डिवाइस है ये आपको 16 या 17 के अंदर में आराम से मिल जाएगा और इस रेट में ये डिवाइस मतलब इतना महंगा भी नहीं है। तो गाइज ये यदि आप ऑफर वगैरह का ध्यान रखना, बाय करना हो तो ऑफर वगैरह में करना ताकि आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़े, जितना का ये डिवाइस है उतना ही आपको पे करना पड़े। तो आई होप गाइज ये रिव्यू आपको ज़रूर पसंद आएगा। डिजाइन को एक बार और दोहरा देता हूँ, डिजाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, डिवाइस हाथ में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पर क्वाड कैमरा का जो सेटअप दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, कैमरे का जो बम्ब है गाइज वो भी इतना बाहर नहीं निकला हुआ है, थोड़ा सा निकला हुआ है, लेकिन ये आपके डिवाइस को एक प्रीमियम फील देता है। सैमसंग की ब्रांडिंग वगैरह यहाँ पर की गई है। आई होप गाइज ये रिव्यू आपको जरूर पसंद आएगा। रिव्यू पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, आपके जो भी सजेशन हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर उसको इम्प्रूव कर सकूँ।